पीटीआई भर्ती में लगातार आ रही शिकायतों के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने एक्शन लिया है। बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए अब फर्जी डिग्री धारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, एक दिन पहले ही इस परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने वालों पर बोर्ड की ओर से FIR दर्ज करवाई गई है। शिकायत मिलने पर बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की भी जांच कर रहा है जिनकी डिग्री पर संदेह बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में एक ही साल में दो अलग अलग डिग्री दर्शाने वालों की भी डिटेल्स साथ में निकाली जा रही है। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि तीन तरीकों से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आवेदन के समय कुछ अभ्यर्थियों ने योग्यता में अपीयर लिख दिया, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान 2 से 4 साल पुरानी डिग्री जमा करा दी। इसके बाद कई अभ्यर्थियों ने एक साल में 2 डिग्री ले ली, जबकि ऐसा नियमों के खिलाफ है। साथ ही आपको बता दें, बोर्ड की शिक्षक भर्ती में 2020 में BEd या DLD दिखाया गया, जबकि PTI भर्ती में 2020 में ही BPed दिखाया गया था और आवेदन में किसी दूसरे की फोटो का इस्तेमाल किया गया और परीक्षा के बाद मिले संशोधन के मौके में खुद की फोटो बदल दी और इसके बाद नौकरी भी प्राप्त कर ली। बोर्ड के निशाने पर ऐसे अभ्यर्थी है जिसने आवेदन पर अपीयर लिख दिया और फिर बैकडेट की डिग्री जमा करा दी। जांच के बाद फर्जीवाड़ा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं से हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाएगा। बता दें, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हुई 5,546 पदों की PTI भर्ती 2022 से ही विवादों में रही है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि ऐसे डिग्री अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आवेदन में अपीयर लिखने वाले और बैकडेट में डिग्री लेने वाले और एक ही साल में 2 डिग्री लेने वालों की निश्चित रूप से जांच करवाई जाएगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।